दर्द के एहसास ने मदद के दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। ये मैं पिछले 9 जून को एक हेडिंग लिखकर एक खबर प्रसारण की थी। अब उसे देखकर लोगों ने मदद के रूप में खड़े हुए और मददगार साबित हुए। और सबसे पहले जब मदद के लिए फोन किए थे वो है अभिषेक सिंह, पूर्व सांसद। उसके बाद मदद का सिलसिला आगे बढ़ा और 3 महीने बाद यशोदा साहू, जो खैरागढ़ जिले की ग्राम रेखा कटेरा की रहने वाली है, दिव्यांग है, इनकी मदद हुई है। और कार्यालय से फोन आया था उत्तम जी का कि इनका स्वेच्छा अनुदान की राशि 15,000 रुपए का चेक आया है और अब ये चेक इनको दिया जा रहा है। तो ऐसी मदद के लिए निश्चित तौर पे अभिषेक सिंह, डॉक्टर रमन सिंह साहब, उत्तम जी और उनके साथ में जो कर्मचारी, सभी को मैं साधुवाद देता हूँ कि बिना ज्यादा फोर्स किए, केवल खबर को देखकर इनके बारे में पता किए और उसके बाद ये मदद दे दी। तो यशोदा, क्या बोलना चाहोगे? भैया माला धन्यवाद। और कुछ नहीं, नाम नहीं जानते बोलते सबसे बड़े नाम। नहीं नहीं, मोर नाम मत जान। सबसे बड़े ए भैया ला धन्यवाद है, ओकर बाद 15,000 दे है और अभिषेक और रमन जी, उत्तम जी, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और तरक्की के सीढ़ी मिलते रहे और आगे बढ़ते रहे, ओकर बाल गोपाल सब खुश रहे। बाल गोपाल, ठीक, चलिए ठीक है। हमारा उद्देश्य खबर नहीं है, केवल अच्छा संदेश है जो लोगों तक पहुंचे, जो हमने 3 महीने पहले किए थे, मतलब 9 जून को। इसके पीछे जो भी जिनकी दुआएं रही यशोदा के लिए, चाहे सरकारी तौर पे ही सही मिली मदद, मिलनी चाहिए और भी लोगों को मिलने चाहिए। सत्ता सरकार चाहे जिसकी रहे, जो जिनका हक है उसे समय रहते पहुंच जाए तो बेहतर होता है। पहले भी इस खबर को लेकर हमारे साथी कविता साहू रही मेरे साथ और आज भी कविता साहू है और मैं अखिलेश।